दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हांगकांग के खिलाफ खेले गए एशिया कप के चौथे मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल की बल्लेबाजी ने हांगकांग के युवा गेंदबाजों को हिलाकर रख दिया। और आखिरकार किस तरीके से विराट, रोहित और राहुल ने मिलकर विरोधी खेमे में अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचाया, बताएंगे इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, केएल राहुल और रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन है बेहतर बल्लेबाज? इस बात का जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों एशिया कप के चौथे मुकाबले में भारतीय टीम का सामना हांगकांग के खिलाफ हो रहा है, जहां भारतीय टीम हांगकांग को हराकर सुपर फोर में अपनी जगह पक्की करने के लिए उतरी। जहां भारत के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में सिक्का तो नहीं गिरा, लेकिन विरोधी कप्तान नजाकत खान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम में पिछले मुकाबले के हीरो हार्दिक पांड्या को आराम देते हुए ऋषभ पंत को टीम में शामिल किया गया। और जब भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और उप कप्तान केएल राहुल मैदान पर आए। और यहाँ पर केएल राहुल के पास एक बड़ी पारी खेल अपने शानदार फॉर्म में लौटने का सुनहरा अवसर था। तो वहीं हांगकांग की तरफ से पहला ओवर कराने के लिए हारून अरशद आए, जहां दूसरी गेंद दिशाहीन के रूप में भारतीय टीम का खाता खुल गया था। लेकिन इसके बाद पहले ओवर में धीमी गति से बल्लेबाजी करते हुए मात्र चार सिंगल के साथ पांच रन आए। लेकिन इसके बाद दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आयुष शुक्ला आए और भारतीय टीम को रोकने के लिए कप्तान नजाकत खान ने इस गेंदबाज को बुलाया। लेकिन यहाँ पर लगातार क्वालिफायर मुकाबलों में तीन जीत के बाद हांगकांग के पास भारत को हराने की कड़ी चुनौती थी। लेकिन इस ओवर में आयुष शुक्ला ने पहली गेंद पर मात्र एक रन दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए मात्र एक रन बनाने दिया। लेकिन पहले दो ओवर में मात्र छह रन आने के बाद कहां भारतीय टीम रुकने वाली थी, जहां तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए हारून अरशद की दोनों बल्लेबाजों ने क्लास लगा दी। जहां पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने आगे बढ़कर 80 मीटर का लंबा छक्का जड़ दिया, तो वहीं इससे विचलित होकर गेंदबाज दबाव में आ गया और लगातार दो नो बॉल डाल दी। और इसका फायदा उठाते हुए फ्री हिट पर केएल राहुल ने लंबा छक्का जड़ दिया और ओवर की समाप्ति फिर से कप्तान रोहित शर्मा ने चौके के साथ करी और ओवर में 22 रन आ गए। लेकिन अब अगला ओवर करवाने के लिए कप्तान नजाकत खान फिर की गेंदबाज को बुला लाए, जहां गेंदबाजी करने आए एहसान खान और उन्होंने इस ओवर में दोबारा से अपनी टीम को दबाव से बाहर निकाला और शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 5 रन दिए। लेकिन इसके बाद अगले ओवर में फिर से गेंदबाज का भार संभालने के लिए आयुष शुक्ला आए और यहाँ पर भी उन्होंने अपने ओवर की तरह पहले ओवर की तरह शानदार गेंदबाजी करने की कोशिश की और इसमें लगभग सफल भी साबित हुए। जी हाँ, यहाँ उन्होंने गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा के हाथों पहले चौका खाया, लेकिन इसके बाद ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए आयुष शुक्ला ने रोहित शर्मा को छोटी गेंद डाल दी, जिस पर छक्का मारने के प्रयास में रोहित शर्मा एजाज खान के हाथों कैच आउट हो गए और आउट होने से पहले कप्तान रोहित शर्मा ने 13 गेंदों पर एक छक्के और दो चौकों की मदद से 162 के स्ट्राइक रेट के साथ 21 रन की पारी खेली। और अब बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली आए और इस ओवर में एक चौका समेत 6 रन के साथ एक विकेट हांगकांग को मिल गया। लेकिन इसके बाद पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने एहसान खान दोबारा से आए, इस ओवर में भी 5 रन दे दिए और इसी के साथ पावर प्ले में 44 रन एक विकेट के नुकसान पर भारत ने बना दिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम हांगकांग को हरा कर सुपर फोर स्टेज में क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।